अपने आप वो पता चलता जाएगा कि जब ये गलत है, हमें गलती का एहसास हो गया, अब केवल मजबूरी थी आदत की वजह से, लेकिन अब जैसे जैसे सुधार आता जाता है तो हमें तुरंत मालूम पड़ता है कि हम गलत क्यों खाएंगे। इतना गलत करते ये हो गया, अब इतना हमने सुधार किया तो इतना फायदा हुआ, तो हम क्यों 100% फायदा ना लें। तो अपने आप पर ये बदलाव आता जाएगा। तो आपका रियल में सवाल एकदम प्रैक्टिकल है और सही है, और ये इसलिए NDS में हमने न्यू डाइट सिस्टम में इसका भी प्रावधान रखा है कि रात को एक बार खाओ, लेकिन सब्जी ज़्यादा बोला गया है कि दिन का भोजन जो है रात का भोजन भिखारी की तरह करना चाहिए। हाँ करें, तो इसमें रात के भोजन हल्का फुल्का करें, थोड़ा दूध ले ले, थोड़ा सा थोड़ी सी रोटी सब्जी ऐसे खा ले, मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह हमें नौकरी जानी होती है, सबको जनरली लोग जाते हैं ड्यूटी पर, तो उस समय पूरा दिन वो करेंगे, तो पूरा दिन वो कैसे अपना एनर्जी मेंटेन। रात को आए तो रात को वैसे भी आदमी ज्यादा नहीं खा पाता है कि नहीं, और उसका इफेक्ट डाइजेशन पर भी पड़ता है, ज्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उतना समय होता नहीं है वॉक करने का। रात को तो अपन कम खाते हैं, दिन में पूरी खाते हैं। करेक्ट, ये जो आपने बताया ना, ये एक कोटेशन भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह राजा जैसा, हाँ, और दोपहर व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा, यानी कि सुबह एकदम वो हैवी फूड खाओ और दोपहर मीडियम और रात को हल्का सा, ये कहा जाता है। सारी दुनिया वो करती है, हम भी करते थे, हम वही उसी तरह से रहते थे, लेकिन हमने देखा कि सारी दुनिया बीमार, हम भी बीमार थे, तो हमने केवल प्रयोग किया कि इसको उल्टा तो करके देख ले, हमने उल्टा किया। उल्टे में क्या किया, सुबह भिखारी, दोपहर व्यापारी, रात को राजा, तो हो क्या गया, हमारी सारी बीमारियां धीरे धीरे निकल गई। तो हमने इसी को प्रयोग में लाया, पहले खुद पे किया, बाद में पत्नी पे किया, बाद में परिवार पे किया, बाद में मित्रों पे, बाद में जो भी संपर्क में आने वाले सभी, और सभी को वही परिणाम मिले चमत्कारी। तब हमने देखा कि आज तक हम गलत राह पे थे, सही राह यही है, उल्टा कर लिया, परिणाम भी उल्टा आ गया, सभी रोग हट गए। तो अब दूसरा ये था कि जैसे आपने बताया कि नौकरी पे, मैं भी नौकरी करता था, वन सब ने टाइम आए वो जोर से ये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जी भी, मैंने जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिंटेंडिंग तक मैंने जी बी में सर्विस किया है। इतना ही नहीं, मैं डेली शेड्यूल भी हमारा, जब मैं पावर स्टेशन में सर्विस करता था तब हमारे वहाँ शिफ्ट भी चलती थी, सुबह 4 बजे जाते थे, शायद जाना पड़ता था, 5 से ड्यूटी शुरू होती थी, तो 5 से 1 एक हफ्ता वो चलता था, बाद में दोपहर 1 को चढ़ना था ड्यूटी पे, 1 से 9 रात 9 तब छुट्टी होती थी, बाद में जो आता था तो रात 9 चढ़ते थे, 9 से 5, तो इस तरह हमारा रोटेशन चलता ही रहता था। और हम पहले जो खाते थे वैसे खाते थे, पहले मैं बाहर का पानी भी नहीं पीता, बाहर का कुछ भी नहीं खाता था, मैं ऐसा मानता था जैसे अभी बताया कि घर पे बनाना अच्छा है, फिर भी मैं बीमार तो था ही। तो जैसे मैंने ये बदलाव किया तो अपने आप मेरी सारी बीमारियां हट गई। तो अब मैंने क्या किया कि अपना शेड्यूल बना लिया कि सबसे पहले जब उठते हैं, बाद में भिखारी यानी हल्का सा भोजन, तो हल्का सा सबसे हल्का भोजन है वो है हवा जो हम खाते हैं अभी भी, और बाद में दोपहर में व्यापारी,
तो व्यापारी किसको कहते हैं? कि जहाँ मुनाफा है वो ही काम करेगा, वो बिजनेस करेगा, जहाँ घाटा रहता है उसको छोड़ देगा। तो हमने देखा कि दाल चावल रोटी सब्जी ये सब कुछ खाते थे पकाया हुआ, इसमें से घाटा हुआ, ये रोग हो गए। और मुनाफा किसमें है? जो अन्य प्राणी जो जिस तरह खाते हैं, भगवान राम खाते थे, हनुमान जी खाते थे, ऋषि मुनि खाते थे, संत तपस्वी खाते थे, ऐसा भोजन हमने प्रयोग किया कि हम भी खा के देखते हैं क्या होता है, पेट भर के खाना है। तो ये हमने खाना शुरू कर दिया तो दिन ब दिन इसमें सुधार आता रह गया। तो हम खाते तो है ही नहीं, खाते ऐसा नहीं है, हमारी केवल सोच बदल गई। पहले हम मानते थे कि सारा दिन काम करना है, ताकत चाहिए, तो पहले उठने के साथ ज़्यादा खा लेंगे तो वही ताकत बनी रहेगी। अब ये सब कुछ बदलाव आ गया, अब हमें पता चल गया कि भोजन में ताकत है ही नहीं, भोजन ताकत खींचता है, भोजन खाने में, चबाने में, पचाने में, निकालने में, सभी जगह शक्ति का खर्च होता है, शक्ति मिलती नहीं है, इसे बॉडी बिल्टअप होता है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो इसमें ईंट, रेती, सीमेंट, पानी, ये सब कुछ डाल, इससे मकान बनता है, ये मकान है हमारा, ये बनता है। तो इसका तो हम बदलाव सारे सूत्र में भी बदलाव आ गए, जैसे वहाँ उल्टा हो गया, यहाँ भी उल्टा हो गया। आज तक हम मानते थे भोजन में शक्ति है, अब हम मानने लगे कि फूड इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज़ बिल्डिंग मटेरियल, भोजन से शक्ति नहीं है, भोजन निर्माण का तत्व है। जैसे निर्माण होता है तब तक ये भोजन जितना निर्माण होता है बच्चों का, मानो 18 20 22 साल तक, बाद में निर्माण नहीं होता, हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या, किसके लिए भोजन की आवश्यकता है? टूट फूट के लिए। तो टूट फूट हमारी बनती ही रहती है, बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, क्रिया काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, टूट फूट सेल्स भी होती रहती है। तो अब इसके लिए भोजन की आवश्यकता है। तो ये बचपन में भी थी, बचपन में दो के लिए थी, एक है ग्रोथ के लिए, दूसरी थी ये टूट फूट के लिए, इसकी मरम्मत के लिए। तो बचपन में भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे 22 साल हो गए, ये पूरा हो गया हमारा ग्रोथ, अब केवल और केवल ये टूट फूट की मरम्मत के लिए है, ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा ये सोच ही गलत है, तो हमारे ये भोजन तो बढ़ता ही जाता है, बूढ़े लोग भी कितना खाते हैं, हाँ, क्योंकि सोच ऐसी कि खाएंगे ताकत आएगी। तो इस हिसाब से जैसी सोच वैसी हमारी एक्ट रहेगी। तो हमारी ये सोच बदल गई, तो अब हमें खाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। पहले हम बहुत खाते थे, मेरा खाना भी इतना था कि जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, 100-100 गुलाब जामुन खाता था, बड़ी साइज के, हाँ, कॉम्पिटिशन में 100-100 खाते थे। लड्डू भी ये छोटे लड्डू हमें पसंद नहीं थे, बड़ी साइज़ के चाहिए। तो ऐसे लड्डू 12-15 खा जाते थे, आज एक खाते ही नहीं है, लेकिन बहुत कई तो थोड़ा एक पीस तो भी हमें एक बाइट दो बाइट, हाँ बस, इतने से संतोष हो जाता है। अभी कुछ वो नहीं रहे, लेकिन ये सोच बदल गई इसलिए कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये खाएंगे तो शरीर को नुकसान होगा। तो इसलिए अपने आप ये सब कुछ छूटता गया, छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया अपने आप, सोच बदलने से। तो यहाँ सोच बदलने की आवश्यकता है, इसलिए हम सारी दुनिया में घूमते हैं, हम और कुछ नहीं करते, हम केवल ये बताते हैं सोच बदलो, सोच बदल जाएगी तो एक्ट अपने आप बदल जाएगी और रिजल्ट तो अपने आप आने लगेंगे। और जैसे रिजल्ट आएंगे तो फिर से सोच और बदलेगी, तो ये ऊर्ध्वगति होने लगेगी, अब तक हमारी अधोगति होती जाती है। तो ये अपने आप ये रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं, या तो जो अब तक हमारा उल्टा था,
ऐसे घूमता था, अब ऐसे घूमने लगता है, रिवर्स हो जाता है सब कुछ यहाँ। दादाजी एनिमा संजीवनी क्रिया, हाँ वो क्या है? ये है जो आज तक हमने गलत खाना खाया है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। मान लो हमारी एक नाली है, गटर है, वो भर गई है, गलत डाला जिसके लिए बनी, मानो वो कोई ऑयल की है, कोई पानी की हो, जिसके लिए वो बनी है डिजाइन है, तो वो ही डालेंगे तो कभी वो भरेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा वो इसको साफ करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें गलत डालेंगे, मान लो पानी के लिए हमारी पाइपलाइन है, उसमें हम जो कूड़ा कचरा डालते हैं, पकाया हुआ भोजन जो चिकना है, इसमें फाइबर है, ऐसा सब सब कुछ जाता है, तो एक ना एक दिन वो चिपकता रहेगा और ब्लॉकेज हो जाएगा। तो जब ब्लॉक होता है तो अब इसको खाली करना पड़ेगा, तो ये नहीं तो ये जहाँ से डालते हैं वहीं से निकलना पड़ेगा, निकलता रहेगा, तो पहले खाली करना है। तो आज तक हमने जो गलती की है, अभी आपने 40 तक कुछ भी खाओ, ये कुछ भी खाते हैं ना, तब 40 के बाद ये खाना बंद हो जाता है। 40 तक यदि सच खाएंगे तो सारा लाइफ आपको कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी एक गलती है कि 40 तक कुछ भी खाओ, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आज बहुत बीमार है, चश्मे लग गए हैं, जो अभी हमने बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कब्ज है, सर दर्द है, कैंसर भी कुछ है। तो ये क्यों है कि हमने गलत खाया, हमारे माँ बाप ने गलत खाया, हमारे पूर्वजों ने गलत खाया, तो धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। पहले उम्र भी हमारी कितनी थी, हमारी ताकत कितनी थी, हमारी हाइट कितनी थी, अब महाराणा प्रताप देखो, ज़्यादा दूर ना जाए तो इसके हाइट देखो, ये सब कुछ, और आज हमारी हाइट देखो, आज हमारी उम्र देखो, एक साल एक वक्त था हजारों साल इंसान जीते थे, आज 100 भी कोई कोई लोग 100 तक पहुँचते हैं। तो ये सब कुछ गलत हमारा खान पान है, गलत व्यवहार है, इसका परिणाम है और वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें यू टर्न लेना है, जो हमारी गलती हुई सुधारना है। तो सबसे पहले जो गलत खाना खाए उसको निकालना है, तो निकालने के लिए ये जो एक तो कहते हैं बड़ी आंत को साफ करने के लिए मल द्वार से, गुदा द्वार से, एनस से, रेक्टम में आप पानी डालो, इसके लिए एक छोटा सा साधन आता है, प्लास्टिक का डिब्बा है, इसे पानी चढ़ाना है बस, बाकी तो आंत काम करेगी, शरीर अपना काम करेगा, तुरंत वो निकाल देगा, ऐसे वो सफाई होती रहेगी 2-3 महीने में, तो एकदम वो पूरा साफ हो जाएगा। अब दूसरा हम कहते हैं कि जितना हो सके उठने के बाद जो भिखारी हम कहते हैं, हल्का सा भोजन यानी केवल हवा, जितना हो सके आसानी से, और हमने देखा है 8 घंटे हर किसी के आसानी से होता है, हम करते हैं। आपकी समय है कि दिन की शुरुआत कैसे करें? हाँ, मॉर्निंग में 6 बजे जगे, 5 बजे जो भी जहाँ जैसा सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पहले जगे, 6 बजे ही मान के चलते हैं, 6 बजे हम जगेंगे, जामनगर गुजरात जो भी है जहाँ के 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। तो अब हम 6 बजे से रात का खाना कै बजे खाएं, मान लीजिए 10 बजे 22 बजे है ना, तो 6 से 22 हम जगे रहते हैं, तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब 6 से 22 के रूटीन को कैसे मेंटेन करना चाहिए? ये भी मैं बताऊं, मैं भी जामनगर था, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वहाँ जामनगर में था, हाँ बाद में एचओ गया वहाँ, हेड ऑफिस बड़ौड़ा, वहाँ से रिटायर हुआ। अच्छा, तो ये शेड्यूल कैसे बनाए? हाँ, 6 से 22 हाँ, मान लेते हैं कि हम 10 बजे सोते हैं, 10 बजे तो नहीं सोते हैं लेकिन खाने का टाइम 10 बजे मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 6 से 22 हम लगा दें। हाँ, तो 6 बजे उठ गए, मैं तो 3 बजे उठता हूँ, हाँ डेली ये मेरा शेड्यूल है, लेकिन हम वो बात करें तो 6 बजे जो उठते हैं तो हम कहते हैं 6 से 2 बजे तक
कुछ भी न खाना है न पीना है, ओनली वन एयर रहना है, तुरंत नहीं होगा, हम जानते हैं, धीरे 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 आदत डालना, आदत हो जाएगी। आज मैं 3 बजे उठता हूँ, फिर भी हम 2 बजे खाते हैं, 3 से 2 हवा, कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं मानता, मन भी नहीं मानता, ये हो जाता है अपने आप, करना नहीं पड़ता। लेकिन आदत जो बन गई है तो इसको धीरे धीरे हम इसको एक इनिशियल, अब इनिशियल की बात करते हैं, ये तो प्रैक्टिस हो गई। हाँ, अब इनिशियल, इनिशियल में कहता हूँ ना, इनिशियल कैसे शुरुआत, इनिशियल ये ही, हम तो 8 बजे जो है चाय रोटी चाय पराठा चाय माने कुछ ना कुछ तो लेते ही, 8 बजे लेते हैं ना। हाँ, मन के चले जनरली लेते हैं, ये जो हम माने नॉर्मल आदमी लेते ही है। हाँ, हम अपने को आदर्श बनाते बराबर। दादू जी, पहले एनिमल शुरू करेंगे तभी तो ये खाना का भूख की वो मिट जाएगा, पहले एनिमा का शुरुआत से करना या कैसे? आप 6 बजे उठ गए, 6 बजे सबसे पहले हाथों की सफाई करनी है एनिमा लेके, जिसको हम संजीवनी कहते, उठने के साथ तुरंत, बाद में ये परमानेंट नहीं है ये केवल। लेकिन अगर आपका आपको ऐसा फील होता है, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो 3-4 ग्लास पानी पीता हूं, 5 मिनट टहलता हूं, इसके बाद मुझे लगता है कि एकदम फ्रेश हो गया। अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तब एनिमा की नहीं 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 जरूरत है, हो गया बाद में लो तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन इतने पानी पी लिया बराबर। मैं भी पहले बहुत पानी पीता था, 6-8 ग्लास पीते थे। हाँ, 3-4 ग्लास तो मैं पीता हूँ तभी, 8-8 ग्लास मैं पीता था पानी, पेथी की तरह मैं करता था पानी, पेथी एक आती है वाटर थेरेपी, तो इसमें उठने के साथ बिना मुंह धोए 8 ग्लास पानी पीना, तो ये सब कुछ तो ठीक निकल गया। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जरूरत से ज़्यादा पानी पीने का प्रयास किया जाए तो वोमिटिंग जैसा होने लगता है। नहीं, वोमिटिंग तो हमें नहीं होता था, दस्त भी होता था, हम मानते थे कि ये अच्छा है, इससे सफाई हो जाती है, लेकिन तब पता भी नहीं था, तब इसको हम अच्छा मानते थे, सही मानते थे, तो करते रहते थे। लेकिन जब सही बात समझ में आई तब पता चला कि पानी से क्या होता था कि एक तो जलोदर जैसा कहे ना, ये आगे निकलना शुरू हो गया था और भूख कम लगने लगी थी, सफाई होती थी फिर भी कम होती थी। जैसे ये समझ में आया अब हम 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं नहीं पीते हैं, ना भूख लगती है ना कुछ भी, और जब भूख लगती है वो परेशान नहीं करने वाली भूख लगती है, वो ये जब पेट खाली हो जाता है अपने आप वो डिमांड करता है शरीर। पहले भूख यहाँ की लगती थी, उठने के साथ लगता था कि खा लो खा लो, क्योंकि आदत पड़ गई थी, मन मारता था, अब मन नहीं मारता, अब ये आदत हमारी टोटली बदल गई है। एनीवे, तो ये अपने आप होगा, मेरा कहना ये है कि जो जैसी आदत डाली है उस हिसाब से ये होता रहता है, होगा। मैंने भी पानी की बहुत आदत डाली थी, उठने के साथ खाने की आदत थी, सब कुछ था, लेकिन आज बदल चुका है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचना? तो एक तो है उठने के साथ एनिमा लेना है, सफाई करनी है, जैसे कि आपने पानी पी लिया, आपको लगता है फ्रेश हो गए, कोई बात नहीं, फिर से आप लो, तब आपको पता चलेगा कि हमारी मान्यता कितनी गलत थी, क्योंकि आप अब आंत में पानी चढ़ा और कितना निकलता है वो आप देखेंगे, मतलब इतने बचपन की जो कचरा है उसको सफाई जरूरी है अभी। हाँ, पुराना जो है वो निकालना है, ये तो मानो जो हमारी ऑनलाइन थी वो पाइपलाइन में था वो निकल गया, लेकिन वो निकालेगा पुराना वाला चिपका हुआ है इसको निकालेगा, और फिर ये सब करेंगे ना तब हमें पता चलेगा। तो ये एक बार शुरू कर देना है, और केवल 3 महीने, ज़्यादा नहीं बताते, केवल 3 महीना करके देखो, बाद में आप खुद आपके जजमेंट लेना। तो एक डिवाइस आती है, क्लैरिटी आती है,
एक क्लैरिटी आती है आपको, उससे क्या फायदा हो रहा है आपको, खुद आप अनुभूति करते हैं। एनिमा चढ़ाने के लिए एक आती है ट्यूब, आती होगी कोई, हाँ एक डब्बा वो आता है एनिमा बॉक्स, मैं बताऊंगा आपको ये इसमें से हम आपको शेयर करेंगे, बताऊंगा। एक छोटा सा डिब्बा आता है प्लास्टिक का और इसके साथ ट्यूब है, ऑनलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन मैं ये सब कुछ आपके वो है वो कर दूंगा, आपको मिल जाएगा डोर स्टेप आपके घर पे। तो एक ये साधन आता है तो, और ज्यादा कॉस्टलियर भी नहीं, प्लास्टिक का है। पर पर्सन अलग अलग होगा ना, हर एक नहीं, नहीं। पर फैमिली एक पर फैमिली लास्ट की नली आती है ना कैथेटर ट्यूब, वो अलग आती है। जैसे कि टूथपेस्ट है मान लो कि हर कोई कोलगेट करते हैं, हर कोई फोरेंस करते हैं, जो भी फैमिली के लिए एक ही है टूथपेस्ट, एक ब्रश अलग है, बस उसी तरह है इसमें भी हो गया। तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये सबसे पहले है एनिमा लेना है, ठीक हो गया। अब जब भी आपको इच्छा हो खाने की, ऐसा नहीं 8 बजे खा लेना, जब भी इच्छा होती है आप खा लो। खाने में क्या करो, इसमें भी ग्रेजुअल जाओ, एक साथ वो सही भोजन पे ना आओ, जो आज खाते हैं वही खाओ, इसमें फल सलाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, इंट्रोड्यूस कर लो, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। आज 8 बजे खाते हैं, कल ज्यादा नहीं 8:05 पे खाना, जितना जाए हाँ धीरे धीरे बढ़ाना है इन शॉर्ट, और जैसे हमारा मन मांगेगा तभी देना है। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी तरह आप भी 2 बजे 3 बजे, हम तो नहीं खाते तो शाम तक नहीं मांगता शरीर, खा लेते हैं तो खाने की इच्छा होती है, बाकी नहीं शरीर नहीं मांगता कभी भी। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअल जाना है इन शॉर्ट। तो ये हो गया, ये मान लो जब भी आपने ये ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ब्रेकफास्ट में भी अब आप क्या करो, सबसे पहले लिक्विड लो, कोई भी ठोस मत लो, कोई भी लिक्विड, जैसे लिक्विड में मान लो ग्रीन जूस, शुरुआत ग्रीन जूस तो आएंगे, लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो अभी आम मिलती है तो आम चूस लो या काट के खा लो, तो इस तरह से थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये इतना सॉलिड नहीं है। क्या दूध एक गिलास दूध या चाय ऐसा नहीं ले सकते लिक्विड में? शुरुआत में आपको हैबिट है लेना है तो ले लो, लेना नहीं है छाछ हुआ छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अनाज जो इतना छोड़ना है, अनाज डाले दूध दूध से बनी चीजें, दूध भी हाँ दूध और दूध से बनी कोई भी चीज, मिल्क प्रोडक्ट, हम बहुत दूध खाते थे हमारे लोग, हमारे हम, तो हम गाय भैंस में दूध को अमृत कहा गया है, गाय का दूध अमृत होता है। हम भी समझते थे, हम भी खाते थे, हम तो गाय अपने घर पे रखते थे ना, हम तो किसान है, हम फार्मर किसान है, तो गाय भी रखते थे भैंस भी रखते थे और बहुत दूध पीते थे, और दूध से बनी चीजें भी, मक्खन भी इतना खाते थे, घी भी इतना खाते थे और सब कुछ, क्योंकि हम मानते थे पवित्र है, खाने से ताकत आती है, कैल्शियम मिलता है, सब कुछ जो। लेकिन जब ये पता चला कि दूध जो है हर किसी को, जिसको दूध दिया अपने बच्चे के लिए दिया, सारी सृष्टि में किसी को भी, शेरनी का उसके बच्चे के लिए, आदमी को इसके बच्चे के लिए, इंसान को अपने बच्चे के लिए, हर किसी को अपने बच्चे के, गाय को भी अपने बछड़े के लिए दिया, और किसी के लिए सृष्टि में भगवान ने दूध और किसी के लिए नहीं दिया। हमने केमिस्ट्री भी देखी कि गाय का दूध, भेड़ बकरियों का दूध, हाथनी का, शेरनी का, किसी का भी मिलता जुलता नहीं है,
जो विटामिन प्रोटीन कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जो भी जितने वो इसमें दिए जाते हैं किसी का भी मिलता जुलता नहीं है, हर किसी का अलग है भिन्न है। तो ये सारी डिजाइन की हुई है किसने हमारा शरीर बनाया। तो हमें भी देखो हम नहीं वो देखेंगे जी, जब बच्चे का जन्म होता है तभी माँ को दूध आता है, पहले नहीं आता था। और दूध तब तक आता है जब तक बच्चे को आवश्यकता है, जैसे आवश्यकता खत्म हो जाती है भगवान बच्चे को दांत दे देते हैं, तब तक दांत नहीं थे, अब दांत देते हैं चबाने के लिए, तो सब्जी सलाद फल खाने के लिए, और उसी वक्त एट द सेम टाइम माँ का दूध बंद हो जाता है। तो ये इससे भी हमें पता चलता है कि नेचर ने ये व्यवस्था की है, जब तक दूध की आवश्यकता थी दूध दिया, अब नई आवश्यकता है दूध बंद कर दिया। अब जब दूसरी डिलीवरी आती है फिर से दूध आना शुरू हो जाता है, तो ये दूसरे बच्चे के लिए, पहले बच्चे के लिए अब नहीं है। तो इसी हिसाब से हर किसी प्राणी को जो जिसको दूध दिया अपने अपने बच्चे के लिए दूध दिया है, ये बाय नेचर हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं। दूसरा केमिस्ट्री साइंस के हिसाब से भी मैंने आपको बताया, ये भी हमने देखा, आप गूगल सर्च में जाएंगे ये कंपैरिजन देखेंगे, हर किसी का दूध अलग अलग है, किसी का मैंने हर एक प्राणी का दूध जो है उसके बच्चे के हिसाब से बना हुआ है, सब में एक ही तत्व तो नहीं पाए जाते। तो ये सारी समझ के हिसाब से तो हमारा दूध बंद हो गया, नहीं तो हम तो दूध बहुत खाते थे। तो ये दूध दूध से बनी चीजें बंद करनी, मतलब सबसे पहला फर्स्ट टाइम एक सुबह की नाश्ता की जगह में फल या सब्जी या सलाद या ग्रीन जूस ये चेंज करना है, बदलाव धीरे धीरे करना है वन टाइम से, जो एक साथ कर सकते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट आइडियल जो कहते हैं वो है, लेकिन जो आपने बताया कि जो एक साथ नहीं कर सकते तो इसको ग्रेजुअल जाना है। तो ग्रेजुअल में ये है कि सुबह का नाश्ता आप जब भी आपको भूख लगती है इच्छा होती है तब आप ले लीजिए। तो इसमें धीरे धीरे बदलाव करते जाओ, जो हमारा सही भोजन, सही भोजन वो ये है सब्जी सलाद फल पत्ती पानी, इसका धीरे 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 इंट्रोड्यूस करते जाओ, तो अपने आप वो जो गलत भोजन आज तक खाते थे वो अपने आप कम होता जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा और पूरा ए हो जाएगा। अब साथ साथ में आपने टाइम भी बढ़ाया तो ये आपका हो गया दोपहर का फर्स्ट मील यानी नाश्ता 14 बजे, दो बजे अब हम खाना खा रहे हैं। हाँ, तो इसमें भी अब आप हम क्या करें कि ठोस कम खाएं और लिक्विड ज़्यादा खाएं, यानी रस वाला रसयुक्त आहार ज़्यादा। तो हम देखते हैं, देखो हमारी नज़र जहाँ जहाँ पड़ती है ये हरा भरा दिखता है, तो जो ये भोजन है हमारा प्लांट बेस्ड फूड, तो इसमें भी हम देखें कोई भी एक प्लांट ले लो एक पेड़ ले लो, इसमें सबसे ज़्यादा है तो पत्तियाँ हैं। तो हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा पत्तियाँ अब हम इंक्लूड करें, पत्तियों के से कम फूल है, फूल दिखते ही नहीं है, वैसे वो फल के वक्त पहले फूल आते हैं, फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें से कितने गिर जाते हैं निकल जाते हैं फल कम लगते हैं। तो फूल पत्ती के बाद हमारे भोजन में फूल होने चाहिए, लेकिन वो तो हमारे जीवन में है ही नहीं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब है फल, तो पत्तियों के बाद फल की बात है, फल के बाद तो ठीक है, पहले पत्ती पर बात कर लेते हैं कि दोपहर के भोजन में कौन कौन पत्ती हम शामिल कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे इजीली अवेलेबल है हर जगह हर प्लेस पर हर सिटी में। हाँ, जो इनिशियल स्टेज पे जो बाजार में मिलती है, पालक धनिया और करी पत्ता पुदीना या तो जो भी मेथी बाजार में मिलती है,
होती है, बाद में माने साग 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 मेनली साग ही होवे, क्योंकि पुदीना से तो पेट भरा नहीं जा सकता, धनिया पत्ता नहीं भरना है जब जूस बनाएंगे भोजन में, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए थोड़ा आप इसमें लगा सकते हैं, वैसे कोरिएंडर है, ये जो धनिया धनिया धनिया, तो धनिया भी हम ज्यादा नहीं खाएंगे, ये टेस्ट के लिए है, तो टेस्ट के लिए। बाकी पालक है, पालक ज्यादा खा सकते हैं, पालक मेथी चौलाई लाल साग यही सब, तो ये ज्यादा इसमें थोड़ा कम टेस्ट के लिए ये डाल दो, थोड़ा मरी मसाला स्वाद के लिए डाल दो, तो ये खाया जा सकता है। तो ये तो बात की बात है, अभी प्रपोर्शन नहीं देखना है, जितना जो भी हमें पसंद है खाना है शुरुआत तो खाते जाएं, और अपने आप ये प्रपोर्शन सब कुछ वो बाद में आ जाएगा। यानी कि हरी पत्तियां सबसे ज़्यादा यदि नहीं खाई जाती हो तो क्या इसका जूस बना लेना, मिक्सर में डाल के इसको पानी डाल के और ये घुमा लो, इसमें जो भी हमें पसंद है ऐसा स्वाद डाल दो, छान लो, छानने के बाद इसमें कच्चाई पीस देना है, कच्चाई पीस देते हैं पालक को, कच्चाई पीस देते, अब कच्चाई है, अब पकाया गया, इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, नींबू तब टेस्ट बढ़ेगा। साग को अगर कच्चा पीसा जाए, कभी टेस्ट किया नहीं, बहुत अच्छा लगता है, फाइन लगे, ये हम शिविर में वही बना के देते हैं, शिविर में कभी 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 टेस्ट किया नहीं। हाँ ये है कि पालक पनीर वगैरह बनता है तो थोड़ा उबाल के फिर उसी पानी में पीस देते हैं, ये तो आज तक हमने सोचा ही नहीं है, कभी सोचा। आप लोग इंडियन का रेसिपीज यूट्यूब में देखिएगा, सब आएगा वो। हम सेमिनार में सेमिनार इसलिए तो करते हैं कि एक तो समझाते हैं, यानी थियोरी हो गई, दूसरा है प्रैक्टिकल कैसे करना, खिलाते हैं, बना के देते हैं, खिलाते आराम से, ये लोग बनाएंगे वहाँ, तो हमको लगेगा ऐसे ऐसे भी होता है, कच्चे में इतना टेस्ट होता है, ऐसे आश्चर्य हो जाएगा। हाँ, लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं। पालक का हम कच्चा जूस बनाए, पालक का एक पालक का हम जूस बना रहे हैं, तो उसमें क्या टेस्ट के लिए, एक तो मान लीजिए एक पाव पालक लिया, उसमें आधा लीटर पानी लिया, आधा लीटर पानी लगेगा, मिक्सी में आपको जितना घूमे उतना ही पानी, अच्छा पालक, अच्छा हाँ, और धनिया डालो, हाँ धनिया, हाँ अदरक थोड़ा सा डालो, ठीक, हाँ हाँ, और पुदीना, पुदीना ठीक, बस ऐसे ही उसको निकाल लें, फिर इसके बाद आप पानी अपनी इच्छा के अनुसार उसको डाइल्यूट कीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूट, गन्ने का रस, गन्ना जूस जैसा पतला करना है, ठीक, बाद में उसको छान लो, और उसमें काला नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा नींबू, जीरा पाउडर है, और नींबू निचोड़ लें, हो गया जूस तैयार, और सिप सिप करके पी ले, बहुत कितना बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है, टेस्ट भी बना के पिएंगे, एक दो ग्लास आमले की सीजन है तो आमले भी डाल सकते हैं, अच्छा उसमें तो पेट सफाई हो जाती है, अंदर जो कचरा पड़ा है वो निकल जाए, आमला की सीजन नहीं है तो नहीं डालना, सीजन है तो दो तीन दाम, सूखा आमला तो हम समय मिलता है, हाँ सूखा आमला का पाउडर भी मिलता है, वो चम्मच आधा चम्मच, थोड़े से शुरुआत करना, पहले आधा चम्मच डालो, बाद में आप देखो कि टॉयलेट जाना पड़ता है कि नहीं, सफाई होती है कि नहीं, तो दूसरे दिन ज्यादा डालना, ऑब्जर्व करना, हम लेने के बाद आपको क्या महसूस हो रही है वो ऑब्जर्व करना है, और ग्रीन जूस बनाते हैं हम, तो ये तो पालक का हो गया, और किसी किसी का जूस बना सकते हैं। इंडियन रेसिपीज यूट्यूब चैनल में दादी माँ बहुत ऑलरेडी, जब सिग्नल आएगा ना तब NDS BV चौहान टाइप कीजिए, सारा इन लोगों का आ जाएगा। अभी एक तो पालक हमारे हर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और एक चौलाई के साग होती है हरी वाली, है ना, गुजरात में मिलती ही है, जामनगर हरा लाल साग मिलती है, हरी चीज़ तो यही है ना, और क्या मिलती है, लौकी मिलती है, लौकी मिलती है, हाँ कद्दू का भी जूस बनता है, इसी विधि से, और बाद में ककड़ी का भी, ककड़ी है, किसी भी सब्जी को, आम का पेड़ है, आसोपालव है, जो भी आपको जही भी दिखे, जो भी मिले, सब कुछ जो फल खाते सब्जी खाते वो सारी का पत्तियां ले सकते, पालक मेथी
पालक का शुरू करो। धनिया का भी कर सकते हैं, वो भी टेस्टी लगेगा। धनिया भोजन में एक पहले जूस, पहले जूस, बाद में जब कितने घंटे रह सको भूखा तब तक बाद में ये जूस पीना, बाद में कच्चा दूध खाना। इतना से तो सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, दो बजे और खाने पड़ेंगे। दो बजे तक तो जाना है आपको, है? दो बजे तक तो जाना है आपको टॉयलेट कहाँ देती भूखा रहना है। हाँ तब दोपहर के भोजन में आपने इतना देर भूखा रहे तब पूरी खाएंगे ना, पेट तो भी भरा नहीं। तो कच्चा ककड़ी, खीरा, सलाद है, फ्रूट्स है, जो सीजन में जो फ्रूट। तो ग्रेन्स नहीं लेने हैं, ग्रेन्स पल्सेज नहीं लेने हैं, चावल नहीं। और शुरू में थोड़ा सा अंकुर ले सकते हैं, अंकुरित करके ले सकते हैं ग्रेन्स को शुरू है, बाद में सब कुछ अपने आप आपका रास्ता खुलता जाएगा, खा सकते हैं आप, द्वार खुलते जाएंगे अपने आप, आपको खा सकते हैं उसमें सब नमक और जीरा पाउडर सब जो भी डाल रहे हैं। ये ग्रेन्स का हमको आदत पड़ गई ना कुकिंग फूड का, तो उसको धीरे से यूटर्न लेने के लिए हम चना, मूंग, मूंगफली ये सब अंकुरित करके उसमें भी टमाटर, ककड़ी ये सब डाल के सलाद बन के खाए तो पेट भर जाएगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। शुरुआत में आपकी मात्रा भोजन की भी ज्यादा रहेगी। कच्चे में भी, कच्चे में भी ज्यादा खाएंगे है ना, पचने में भी अच्छा है, दो घंटे में भूख भी लगने लगेगी तो सर, लेकिन दो बजे खाए तो फिर शाम के 6 बजे फिर भूख लगेगी। तभी भी भूख लगती है, अब आप खा सकते हैं, पी सकते हैं जो भी है, जो भी। लेकिन इसमें वेरिएशन इतना नहीं हुआ ना, इसमें वेरिएशन कम लग रहे हैं मुझे। जैसे हम ग्रेन्स खाते हैं तो बहुत वेरिएशन है, आज ये बनाया, कल वो बनाया, परसों ये बनाया, कभी है कि नहीं, बहुत वेरिएशन इसमें जो बनाते हैं, इसमें वेरिएशन कम दिख रहा है। इसमें जो आप बनाते हैं, इसमें वैरायटी मान लो आप 100 वैरायटी बनाते हैं, यहाँ लाख बनेगी। इतनी बनती है आपको यूट्यूब चैनल में, कुछ आप जो भी मांगे ना हम यहाँ दे सकते हैं। आपको अचार चाहिए अचार मिलेगा, सब्जी चाहिए सब्जी मिलेगी, कच्चे में मिष्ठान चाहिए सब मिठाइयाँ मिलेगी, कितनी सारी मिठाइयाँ, सलाद खिलाते सब, दूध का नहीं, नारियल का दूध बना के फ्रूट सलाद बनता है, आइसक्रीम भी बनता है, सब कुछ बनता है। NDS खाना पीना तो सभी को है ही, आदत पड़ गई है, बाद में तो नहीं पड़ेगी। यस शुरू में थोड़ी, इसलिए हम बना के देते हैं, ये मैंने बताया ना ये रेसिपी हम बना के देते हैं। तो क्या आप लोग अभी मैंने चावल मैंने की मूल भोजन आदमी क्या नॉर्थ नॉर्थ इंडियन का चावल और रोटी, चावल और रोटी अपना मूल भोजन है, उसके साथ तो सब्जी एंड पल्सेस तो सपोर्टिंग है टेस्टी बनाने के लिए चावल रोटी को। तो चावल रोटी केवल नाइट में रात, और वो भी कम सब्जी ज्यादा, ग्रेन्स कम सब्जी ज्यादा, अपना अपना। जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडियन है तो सब्जी ज्यादा खाते हैं, बिहार यूपी बहुत ज्यादा सब्जी लोग खाते हैं क्योंकि वहाँ सब्जी का प्रोडक्शन है। और हम इधर जाते हैं जैसे हम जामनगर आते हैं तो वहाँ देखेंगे कि सब्जी कम है तो सूखी सब्जी ज्यादा लोग स्प्राउट मैंने बीज का उपयोग करते हैं, सब्जी में थोड़ा सा गुआर ले लिया वहाँ तो यही चलता है, या सेव टमाटर 20 मिनट पहले टमाटर मोस्टली आप किसी भी होटल में जाए एक फिक्स सब्जी मिलेगी सेव टमाटर है ना, और एक कोई मिल जाए वो भी नहीं मिले तो एक बटाका की सब्जी मिल जाएगी। यहाँ सब्जी कम लोग खाते हैं, यहाँ लोग सब्जी हम लोग तो शाम मैं प्रॉपर बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर बिहार, बक्सर बक्सर बिहार बिहार। अच्छा इसमें है आएगा स्टेशन जामनगर सर्विस। आपको शाम को ना अनाज बहुत कम सब्जियां ज्यादा, दो तीन स्टेप्स मतलब जो गुना ज्यादा खाना बस हो गया, मैंने भोजन के साथ सब्जी ज्यादा ज्यादा सिद्धांत समझ लेना है, नेचर की धीरे 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 वहाँ पहुँचना है। और आपको समझ में आया ना एनीमा, संजीवनी क्रिया, उपवास और जैसे खाना खाना है, ये 3 स्टेप ही है एनडीएस में। और जब सोते हैं तो एनीमा लेके सो जाना, पेट साफ करके उठने के
तुरंत एनिमा लेना है, सोने के पहले एनिमा। शुरुआत तो 3 महीना दादाजी? 3 महीने तक। अच्छा, ये परमानेंट नहीं, बाद में ऑटोमेटिक सब साफ अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि पहले की बीमारियों का जड़ तो मतलब कि पेट साफ ना रहना ही है। यस। हाँ।